नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं अहमदाबाद में आया हूँ। दो दिन पहले दुबई में था और आज अहमदाबाद में, कल पुणे में, फिर उसके बाद मुंबई, थाने, नासिक, सब जगह, गुजरात और महाराष्ट्र में कैंप्स हैं हमारे। तो आपसे ये शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब PhD हैं या गुजरात से, तो उनके माध्यम से ये मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि जो आयुर्वेद में बहुत भयंकर जो बीमारियां हैं उनका भी इलाज संभव है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये डॉक्टर प्रियंक हैं या गुजरात में, तो ये डॉक्टर प्रियंक आप कहाँ रहते हैं? सर मैं बेसिकली पोरबंदर से हूँ। पोरबंदर, मेरे को 10 साल पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी डिटेक्ट हुई थी। पहले प्रोक्टाइटिस था और कोविड के टाइम लेफ्ट टाइप कोलाइटिस था। मैं पंजाब गया, सर की दवाइयां ली, फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी रहते रहा, तो मतलब ठीक है। और एट द एंड पूरे 10 साल की जर्नी में मैं पहला यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डिसीज जो है ज्यादातर ये दिमाग की है, कि आप एंजाइटी, स्ट्रेस, वो गट फीलिंग बोलते हैं ना हमारी, ये जनरली स्ट्रेस का डिसीज है। आप स्ट्रेस जितना कम करोगे, लाइफ जितनी एंजॉय करोगे, एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, उससे डिसीज बहुत ही आपको कुछ नहीं होगा। मेनली जो है ना, मन से अगर आप डर गए तो मतलब पूरा। अब बाकी के जो लोग हैं ये भी अल्सरेटिव कोलाइटिस से व्यथित है और ये फर्स्ट टाइम आए हैं आज, कुछ फर्स्ट टाइम है, कुछ सेकंड टाइम है। तो ज्यादातर ये बीमारी आपको इसलिए मैं बिठाया वीडियो में, आपको लाइव एग्जांपल दिखाने के लिए। डर से तो अपनी लाइफ के डिसीज को हरा नहीं पाऊंगे। दवाई है सर की जो है वो बहुत मतलब वर्क कर रही है, बहुत अच्छा इनोवेशन है सर का, रिसर्च में सर को बोलूं बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं। दवाई इन्होंने इन्वेंट की है पर बहुत अच्छी है, इफेक्टिव है। लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि आप लीजिए, क्योंकि हमारे जैसे लोग ठीक हुए हैं। और ऐसा नहीं एक बार लेने के बाद मतलब सब खाना पीना शुरू कर दो, डाइट इज परहेज मतलब करता हूँ सर। डाइट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स कि खाने में क्या क्या खाया जाए, हमारे को क्या क्या डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारे को लिस्ट बनानी पड़ेगी सर। तो आप पूरा लिस्ट बना के हर रोज का मतलब, हर इंसान की प्रकृति अलग अलग है, किसी को कफ है, किसी को पित्त है, किसी को वायु है, तो अपनी प्रकृति को जानिए और अपने जो आपको चीजें सूट करती हैं वो टिक मार कीजिए। यानी खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा, खुद ही डॉक्टर बनना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करने का। काफी हद तक तो मैंने बताई है, जैसे दूध, पनीर और छाछ नहीं लेना, मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं करना, ये तो मेन है। बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत ले सकते हैं। ऐसे में तो सर की एक बुक भी है, वात पित्त कफ से, वहां से शुरू कीजिए कि डिसीज क्या है, पहले डिसीज को रूट को पकड़िए। आप पढ़िए, मैं पहले नहीं बिलीव करता था, पर धीमे धीमे ठीक हुआ था। मैं पूरा अंदर आयुर्वेद भी अंदर रिसर्च कर लिया कि क्या है। अब कोई कोलाइटिस पेशेंट आ जाए तो मैं बता सकता हूँ। विश्वास नहीं करते थे, नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, पर जब दवाई कुछ इफेक्ट हुई फिर ये चमत्कार। भारत में ऐसा है, आयुर्विज्ञान है तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो मेरे पास आते हैं, वो क्योंकि मेडिकल साइंस पढ़ी है उन्होंने, तो विश्वास नहीं होता कि ऐसी कौन सी साइंटिफिक चीज नहीं है इसमें, वो क्या कहते हैं, पूरा वर्ल्ड नहीं कर पाई है, पूरा वर्ल्ड में नहीं है, अमेरिका ने फॉलो नहीं किया, यूरोप में नहीं है, तो इंडिया से ऐसी कौन सी साइंस निकल आई। परंतु ये इंडिया का खजाना है, इंडिया जो है, हमारी जो सभ्यता है वर्ल्ड में नंबर वन सभ्यता पहले भी थी, अभी फिर से बन रही है। हमारी कॉन्फिडेंस जो है हमारा रोज रोज बूस्ट होता जा रहा है, क्योंकि आजादी को हुए तो अभी थोड़ा ही समय हुआ, तो अंग्रेजों ने काफी राज किया हमारे, तो उससे हमारी मानसिकता भी बदल गई, हमारी लैंग्वेज भी बदल गई है ना, हमारा लाइफ स्टाइल बदल गया, खान पान भी बदल गया, हमारे कपड़े भी बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो जो जो चीजें अच्छी है वो उनकी ले लो, जो बुरे है वो मत लो, और जो हमारी अच्छी है वो सबको लो, ठीक है कि नहीं? और जो दुनिया की बुरी है वो खत्म करो, हमारी अच्छी चीज है, ये हमारी सबसे अच्छी चीज है, हमारी जो आयुर्वेद की साइंस है ये पूरे वर्ल्ड में हेल्थ फैला सकती है, मतलब सारे विश्व को हेल्दी कर सकती है, है ना? तो इस चीज को समझो, वहां के लोग भी अब समझने लग गए हैं, वहां पे भी अब इसका पूरे प्लेनेट पे आयुर्वेद को फैला रहे हैं, वहां के लोग अब सब समझ गए हैं और वो फॉलो करने लग गए हैं, तो हम भी समझे, है ना? वहाँ का कल्चर अलग है यहाँ का। और एक बहुत बड़ा लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि शायद किसी को ये फेक वीडियो तो नहीं है, इसलिए मैंने जो पढ़ा लिखा शब्द यूज किया ना, डॉक्टर साहब जो है
ये पीएचडी है और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो हमारे चैनल पे आके इंटरव्यू देते हैं। तो कई बार शुरू शुरू में एक दो वीडियो ना तो लोग शायद वैसे ही अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बना रहे हैं, यूट्यूब में कई वीडियो भी है, परंतु ये डॉक्टर साहब पिछले 1.5 साल से हमारी कोई दवाई नहीं खा रहे। ये लोग आने के बाद में बैठा तो पूछ ही रहे थे आपको कितने दिन में ठीक हुआ कितने, मैंने बोला ये मेडिसिन कोई सर पहले एक वीडियो में देखा था कोई ये बोल रहा है कि मेडिसिन में वो है वो, अरे मैंने बोला मेडिसिन में कुछ नहीं है, आप आग बन के खा लो 8 महीना 7 महीना ही खाना है ना, स्टेरॉइड से अच्छा है कि ये खा लो। और दूसरा ये कि डरो मत, सुबह से एनर्जेटिक बॉडी रखो, माइंड अपना एनर्जेटिक रखो। ये डॉक्टर साहब पिछले 1.5 साल से कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, पिछली बार भी मुझे मिलने आए थे पिछली बार मुंबई आया था तो सूरत में आया थे अब यहाँ अहमदाबाद आया था, अहमदाबाद सिर्फ मिलने आए हैं। प्रकृति अलग अलग है, आपको जानना है कि आपको क्या सूट हो रहा है, ठीक है ना, ये दवाई से आप चलो ठीक हो जाओगे, वरना फिर आपने सब चालू कर दिया खान पीन तो ये वो भगवान भी आपको डिशेस में बचा नहीं पाएगा, ठीक है ना। ये परहेज तो रखना ही चाहिए, परंतु कुछ लोग है वो परहेज छोड़ देते परंतु मैं फिर भी कहता हूँ कि आप कंट्रोल में रखिए अपने जो इंद्रिया जो है वो कंट्रोल में रखिए, बार तो हो सकता है। तो आप जब आपको कोलाइटिस हुआ था तो उस समय कोई काफी मानसिक तनाव भी रहा होगा और बहुत परेशान भी, डॉक्टर ने कुछ बोला होगा कि आपके ऑपरेशन करेंगे, तो दवाइयां क्या लिखे थे उन्होंने, क्या बोला मेरे को पहले प्रोक्टर की स्टार 2016 में। अच्छा तो घबरा गया था पहले, नया ही डिसीज था क्या है क्या नहीं, बहुत सारे लोगों को पूरी रिसर्च कर दी, पूरी रिसर्च डॉक्टरों को, जब मैं एमएससी कर रहा था। अच्छा फिर ये डिसीज से पहले उन टाइम आपकी ऑनलाइन दवाई मिल रही थी तो मैंने ऐसे बीट ग्रास वाला वो सब आपका दवाई था पहले 2016 में आप जो अच्छा जब स्टार्टिंग हुआ ना तब मैं दवाई लिया था ऑनलाइन, एक कोर्स किया था फिर तो सही था, फिर मैंने पीएचडी भी किया, फिर 5 साल कुछ हुआ नहीं, फिर ड्यूरिंग कोविड मैंने थोड़ा खान पीन में वो हो गया, थोड़ा तनाव में आ गया तो डिसीज फिर बढ़ने लगी, लेफ्ट साइड कोलाइटिस हो गया, फिर सीधा चंडीगढ़ की फ्लाइट लेके चंडीगढ़ गया आपसे मिलने, यहाँ से तुरंत दवाई ली, 1-2 महीना हुआ तो रिलीफ हो गया, फिर सब ये रिसर्च किया 1-2 साल फिर सब अच्छा हो गया, अभी घबरा तो नहीं हूँ, एंजाइटी नहीं है मेरे में। तो डॉक्टर को दिखाया है क्या नहीं, क्या है मतलब डॉक्टर स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड कोलाइटिस था, फिर डॉक्टर ने कोई दवाई दी थी, दवाई मेसाकोल दी थी थोड़ी, फिर दूसरी बार लेफ्ट साइड था तो रोवा सा था, पर मैंने लाइफ में कभी डॉक्टर लिखा था पर मैंने कभी स्टेरॉइड नहीं लिया, स्टेरॉइड नहीं लिया, वो आपसे भी बता रहे स्टेरॉइड नहीं लेना है, स्टेरॉइड में नहीं लेना, डॉक्टर बोलते हैं कि कोलोनोस्कोपी करनी है, कोलोनोस्कोपी में कोलोनोस्कोपी भी नहीं करवाता, इन्होंने ना बोला है मत करो, तो बायोप्सी लेते हैं कुछ नहीं करना है, अब है तो भगवान आपको ब्लड आता था, ब्लड आता था, दवाई छोड़े कितने समय हो गया, क्योंकि उनको पहले बताया हुआ ना डॉक्टरों ने, पहले दिमाग में एक विचार डाल दिया कि आपका कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो रखते हैं अपने पास अलमारी भर के रखी है, बाहर के जो लोग हैं ना अमेरिका से यूरोप उन्होंने अपनी अलमारी में सब प्लानेट की दवाइयां रखी है, वैसे ठीक है कोई सिम्टम नहीं है कुछ नहीं, बस दवाइयां रख के सजा के रखी है कि कुछ हो गया तो, परंतु होता भी कुछ नहीं है। पर सर ने बहुत अच्छा मैं मानता हूँ रिसर्च किया है, वातपित्त डिसीज क्या है, जनरली वातपित्त का ही डिसीज है, आप समझिए पूरा पढ़िए बुक में, आपको ही खुद के अंदर आइडिया आएगा हाँ मेरे को यही हो रहा है पेट में यही दिक्कत आ रही है, तो दूसरों को आप एजुकेट करो। वातपित्त कफ का मैं बताता हूँ, वातपित्त कफ जो है ना वातपित्त और कफ हम यहाँ से पल्स से देखते हैं, वैसे तो हमें फिर देख के पता लग जाता है बॉडी देख के कि वातिका पित्त है कफ है,
तो ये तीन दोष होते हैं इनका। अगर बैलेंस हो गया तो डिजीज फ्री है, अगर इम्बैलेंस तो डिजीज होती है। तो जैसा हमारे वेदों में बताया, पांच तत्वों से हमारा शरीर बन रहा है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। पृथ्वी और जल को मिलाओ तो कफ बनता है, अग्नि से पित्त बनता है, और वायु और आकाश से वायु बनता है। तो पांच तत्व जो है ये तीन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीन एनर्जी तीन पांच तत्वों को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो ये तीन एनर्जी जो हमारे शरीर में है पांच तत्वों को रिप्रेजेंट कर रही है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो अगर पृथ्वी तत्व जल तत्व अग्नि तत्व का इम्बैलेंस हो गया तो हमें बीमारी हो जाती है। तो हमारा जो खाना पीना खान पान आहार जिसको बोलते हैं आहार व्यवहार विचार ये सब इस सबसे हमारे इम्बैलेंस हो जाता है। अगर हमारा व्यवहार भी खराब हो गया तो भी हमारा खराब हो गया, वायु का इम्बैलेंस हो गया तो हमें बीमारियां लग जाती। तो बैलेंस आहार से विहार से विचार से इन सब चीजों से और व्यवहार से। यस डेफिनेटली बहुत अच्छा सर ने बोला है कि सब ये बैलेंस ही रखना है। दिस इज तभी होती है जब इंबैलेंस हो जा रहा है। चलिए ठीक है प्रियंत, थैंक यू सर। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाए सारी आयुर्वेदिक मेडिसिंस की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो सलूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। Planet Ayurveda, founded in 2002 by Dr. Vikram Chauhan, MD Ayurveda. Dr. Vikram Chauhan ka ek hi motive hai, har ghar Ayurveda. Planet Ayurveda ke zariye Dr. Vikram Chauhan Ayurveda ko duniya ke har kone mein pahunchate hain taki log naturally healthy life jee sake. Planet Ayurveda ka head office Mohali, Punjab mein hai. Planet Ayurveda pure planet par Ayurveda ko promote kar raha hai. बीमारी कोई भी हो, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ITP, क्रॉनिक किडनी, स्किन, लंग डिजीजेस, नेक बैक नी पेन्स, अर्थराइटिस, सोरियोसिस, माइग्रेन, गाइनी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, बेली फैट या और कोई सॉल्यूशन, सिर्फ एक पूरे प्लेनेट के लोगों की सेहत का नंबर वन साथी। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाए सारी आयुर्वेदिक मेडिसिंस की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो सलूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com।